अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो मेरे हर वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स कुछ ऐसे होने वाले हैं, सर मैं क्या करूं, घर के हालात ठीक नहीं है, सर मैं क्या करूं, पढ़ना तो है मगर दिल कभी पढ़ने का करता ही नहीं, भाई आप ही रास्ता दिखाओ, प्यार और करियर में किसे चुनो, भाई आप ही बोलो मैं अपने आप को कैसे बदलूं। एंड ये सारे वही कमेंट्स हैं जो आपने किए हैं और लगभग हर वीडियो के नीचे करते हो, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके ये सारे कमेंट्स बदल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चार बवाल सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वक्त बचा है या अभी तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है करियर और अपनी जिंदगी को बनाने के लिए। अगर तुम इस गलत फहमी में जी रहे हो तो दोस्त जिंदगी इसी गलत फहमी में गुजर जाएगी, क्योंकि अगर तुम वाकई खेलने कूदने की उम्र में होते ना तो इतना परेशान और डिप्रेस्ड नहीं होते, मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे हाथ में शायद ये फोन भी नहीं होता। तुम लाइफ में कुछ बनना चाहते हो और बहुत जल्द अपने सपनों को हासिल करना चाहते हो, इसलिए तुम परेशान हो और तुम इस तरह की वीडियो से सीखकर कुछ अच्छा करोगे। और यकीन करना, इस उम्र में परेशान रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसे आज टेंशन नहीं है ना उसकी आगे की पूरी जिंदगी टेंशन के नीचे दबकर दफन हो जाएगी। जब तुम सफल होने के लिए मेहनत करना शुरू करते हो तो इसमें परेशान होना, सर दर्द होना और थकान होना नॉर्मल भी है और बहुत अच्छी बात भी है। चलो अब बताता हूँ तुम्हें इस वीडियो में कुछ ऐसे राज जो तुम्हें कोई नहीं बताता, खासकर जो तुम्हारे रिश्तेदार या मुन्ना भैया हैं जिनसे तुम सलाह लेने जाते हो वो भी तुमसे ये राज छिपाते हैं। अगर जरूरत पड़े तो इन्हें किसी कागज पर नोट कर लेना, कसम से बहुत काम की चीज है। सीक्रेट नंबर 1, ग्रेट थिंग कम्स आउट फ्रॉम वर्स्ट केसेस। जब एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा होता है ना उस वक्त गिरते पड़ते किसी तरह वो चलना तो सीख जाता है, लेकिन अगर एक बार उसे छोटी सी चोट लग जाती है तो वो अंदर ही अंदर गिरने और चोट लगने से डरने लगता है। इसी वजह से वो अब तो बेड से भी नहीं उतरता, क्योंकि उसके मन में डर है कि शायद वो दौड़े और गलती से गिर गया तो बस फिर उसकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसका वहम है, आखिर ऐसे भी किसी डर से जिंदगी चलती है क्या? नहीं। एक दिन वो लड़का बेड पर ही बैठा होता है, तभी अचानक उसके बेड का एक पाया स्टैंड से नीचे खिसक जाता है जिससे बेड डिसबैलेंस हो जाती है, और वो छोटा बच्चा जो इतना भी छोटा नहीं था, करीब 2-3 साल का था, वो चिल्लाने लगता है। उस एक पल में वो जिंदगी का सबसे बड़ा डर फेस कर रहा होता है और डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही होती है, वो चीखने चिल्लाने लगता है। लेकिन नसीब इतना बुरा था कि पिता ऑफिस में थे, माँ थोड़ी देर के लिए नीचे कहीं निकली थी और केयर टेकर भी नीचे वाले रूम में किसी काम से गई थी। देखते ही देखते उस बेड का दूसरा पाया भी सरक जाता है, और आलम अब कुछ ऐसा था कि अगर तीसरा पाया सरका तो पूरा बेड पलट सकता है जिससे बच्चे को गहरी चोट लग सकती थी। ये बात वो बच्चा भी अच्छी तरह जान रहा था, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह रजाई को पकड़ रखा था जिससे वो नीचे नहीं गिरा। लेकिन उसे समझ आ चुका था कि अगर वो और यहाँ रुका तो फिर बेड गिरेगा और उसे ज्यादा चोट लगेगी। पहली बार हिम्मत करके वो लड़का रजाई को छोड़ता है और सीधा जमीन पर छलांग लगाता है जिससे उसके पैरों में हल्की सी रन दौड़ती है और थोड़ी मोच आती है, लेकिन वो लड़का पूरा सेफ बच जाता है। इतने में उसकी माँ आ गई और उसको गोद में लेकर शांत कराने लगी, और कुछ देर बाद बच्चा भी चुप हो गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस 3 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहली बार उसने डर को हराया था। ये अगर हमारे घर में किसी छोटे बच्चे के साथ हो तो शायद हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, लेकिन इस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं है कि कब क्या हो जाए। लेकिन उस लड़के के मन से एक बहुत बड़ा डर तो निकल गया ना, और ये एक बहुत अच्छी चीज आई उस बुरे सिचुएशन से। कहने का मतलब सिर्फ इतना निकलता है कि कई बार आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत बुरे बुरे सिचुएशंस आएंगे, लेकिन वो आपको बहुत कुछ बढ़िया देकर जाएंगे। वो कहते हैं ना, कुछ भी होने के पीछे एक वजह होती है, और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, बस इतनी सी बात है। ये जानने के बाद लाइफ में ग्रो होना और आसान हो जाएगा और चैलेंजेस को फेस करना बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। सीक्रेट नंबर 2, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा मुश्किल हो, मानने में थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन यही सच्चाई है। आज के टाइम में तुम किसी भी फील्ड को उठाकर देख लो, सब में भर भर के कंपटीशन है, चाहे वो नीट जेई हो या नॉर्मल सा कोई गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी पोस्ट। 5,000 वैकेंसी होती है और अप्लाई करने वाले 5,00,000 होते हैं। ऐसे में तुम खुद ही सोच सकते हो तुम्हारे लिए टफ बनना कितना जरूरी है। मेरी इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लेना। पहले से आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन और महंगाई दोनों बढ़ चुकी है। हर फील्ड में धुरंधर खिलाड़ी उतर कर आ रहे हैं। इससे तुम्हें सिर्फ एक चीज बचा सकती है, वो है कि अपने कंफर्ट जोन और समय बर्बाद करने वाली आदत को आज ही खत्म करो और टफ बनना शुरू करो। फ्यूचर के लिए आज ही तैयार हो जाओ। कब कैसी परिस्थितियां पैदा होंगी कोई नहीं जानता, इसलिए अभी जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो उसके खातिर जी जान से मेहनत में लग जाओ और खुद को बेस्ट बनाओ। सीक्रेट नंबर 3, यू हैव जैकपॉट अपॉर्चुनिटीज। एक बात बोलूंगा जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी को बताना मत, लेकिन इसे करके दिखाना। आज के टाइम हर बंदा या बंदी एक अलग ही दुनिया में खोए हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, लड़के खोए हैं फ्री फायर में और लड़कियाँ स्नैपचैट में। इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए।
अच्छा एक बात बताओ, अगर पूरी क्लास जमकर पढ़ाई करेगी तब तुम्हारे लिए टॉप करना आसान रहेगा, या आधी क्लास डिस्ट्रैक्टेड रहेगी, मौज मस्ती में रहेगी और पढ़ाई नहीं करेगी तब तुम्हारे लिए टॉप करना इजी होगा? ऑब्वियसली जब आधे से ज्यादा लोग भटके होंगे तब तुम्हारा टॉपर बनना ज्यादा आसान होगा। आज के टाइम पर यही तो हो रहा है दोस्त, ज्यादातर स्टूडेंट्स बस नाम के लिए स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं। अब अगर तुम भी उन्हीं की तरह जिंदगी जियोगे तो फिर तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, मगर वहीं तुम उनसे अलग बनते हो और अपना वक्त बर्बाद करने की जगह अपने करियर को मजबूत करने में देते हो तो खेल सारा तुम्हारा हो जाएगा। ये बात मैंने बहुत जल्दी तुम्हें बता दी है। इसका एहसास शायद तुम्हें बहुत सालों बाद होता कि मौका था, ताकत थी, लेकिन फिर भी साला कुछ उखाड़ नहीं पाए, इसलिए अभी भी मौका है। जहाँ दूसरे लोग नींद पूरी कर रहे हैं उतने में तुम अपने सपनों को पूरा करो। सीक्रेट नंबर 4, जो चीजें दिमाग को आज सुकून दे रही हैं वो ही कल बर्बाद करेंगी। बातों बातों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल बात बोली है मैंने। वीडियो के बाद 2 मिनट गौर से सोचना इस बारे में। याद रखना, दिल और दिमाग दो तरह की भावनाएं प्रकट करता है और दिल अक्सर दिमाग को सुकून देने वाली चीजों का मलाल करता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको सोना पसंद है और आप 8 की जगह 12 घंटे सो लिए तो बर्बाद कर दोगे ये साल और अगले साल खुद भी बर्बाद हो जाओगे। मीठा और बाहर का फास्ट फूड खाना पसंद है तो अपने शरीर को खोखला कर लोगे, पैसे खत्म कर दोगे और आखिर में शरीर के दर्द और बर्बादी के अफसोस में दिल भारी कर लोगे। क्लास बंक करके घूमना और मौज करना पसंद है तो जब फाइनल्स आएंगे और जब बैंड बजेगी ना तब इस गलती का एहसास होगा और कुछ नहीं कर पाओगे, इनफैक्ट खत्म हो जाओगे, क्योंकि एक हफ्ते के बचे समय में अपने एक साल के पापों को नहीं धो पाओगे। आज का काम कल पर टालकर और इंस्टाग्राम को और ज्यादा घुमा घुमा कर इस्तेमाल करना बड़ा सुकून देता होगा दिल को, लेकिन बस एक साल बाद आज तुम जिस सीढ़ी पर हो इससे 10 सीढ़ी नीचे खिसक जाओगे। 8वीं में जिस लड़के का स्कोर 90% था आज 12वीं में उसके पास होने के भी वादे हो जाएंगे। मेहरबानी किसकी है? तुम्हारे फोन और वक्त बर्बाद करने के उस गंदे लत की, और हो सकता है तुम्हारे किसी टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल की भी। इसलिए याद रखना, मन को जो भी चीजें आज सुकून दे रही हैं उसे ऐसा होने से तुरंत रोक दो, उस पल को वहीं खत्म करो, वरना समझ लेना आप बर्बादी के सफर पर निकल चुके हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है ये आप अच्छी तरह जानते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।